Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, previously I had explained you lesson 13, sharing our feelings. And today I am going to explain you lesson 14, our food. So are you ready, kids? Let's begin. Kids, look at the two family pictures. Which type of work is done by both the families? जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ पर दो फैमिलीज के पिक्चर्स दिए गए हैं, तो वो दोनों फैमिली में किस तरह के काम हो रहे हैं? Let's see about Venu's family. Venu's mother is cooking food and her father is sweeping. जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो कि वेनु की जो मम्मी है वो कुकिंग कर रही है और उसके जो फादर है वो स्वीपिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं. In second picture, Venu and her parents are having a meal together. Second picture में हम देख सकते हैं कि Venu है, उसके पापा और मम्मी तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं. And in third picture, Venu's parents are reading the newspaper and Venu is riding a bicycle. Third picture में हम देख सकते हैं कि Venu के जो मम्मी पापा है वो newspaper read कर रहे हैं और जो Venu है वो bicycle ride कर रही है. Now kids, let's see about Rani's family. Rani's mother is cooking food. जैसे कि हम first picture में देख सकते हैं कि रानी की मम्मी खाना बना रही है. In second picture, Rani is serving food to her father and brother. Second picture में हम देख सकते हैं कि रानी जो है वो उसके भाई को और पापा को food serve कर रही है. And in third picture, Rani and her mother are working and her father is reading the newspaper. और थर्ड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि रानी और उसकी मम्मी काम कर रहे हैं और उसके जो फादर है वो बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं. किड्स, इज योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिलीज? किड्स, क्या आपकी फैमिली भी इनकी फैमिली की तरह है? अगर है तो कौन सी फैमिली की तरह है? यस, आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों का आंसर क्या होगा कि हाँ, हमारी फैमिली भी ये फैमिली की तरह है. जैसे कि किसी की फैमिली वेनु की फैमिली की तरह होगी, जिसमें सारे ही घर के लोग सारे ही काम करते होंगे, फिर सब लोग साथ में खाना खाने बैठते होंगे, या कहीं जाते होंगे बाहर तो साथ में ही जाते होंगे. या तो कुछ लोगों की फैमिली रानी की फैमिली की तरह होगी. तो इस तरह से सभी की फैमिली अलग अलग हो सकती है. डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर? किड्स, क्या आपकी फैमिली में सब लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं? अगर साथ में मिलकर खाना नहीं खाते हैं तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरी फैमिली में तो हम लोग सब साथ में ही मिलकर खाना खाते हैं. ऑल द पीपल इन माई फैमिली ईट टुगेदर. अगर कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी कि जिसमें सब लोग अलग अलग खाना खाते होंगे, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? कि घर में अगर एजेड लोग हैं या तो छोटे बच्चे हैं तो उनको जल्दी खाना खाने की आदत होती है, तो वो जल्दी खाना खा लेते हैं. और अगर किसी के पापा काम से लेट आते हैं तो फिर मम्मी और पापा दोनों साथ में बाद में खाना खाते हैं. और कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि घर के जितने भी जेंट्स हैं वो पहले खाना खाते हैं और जो लेडीज होती है वो बाद में खाना खाती है. तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि कुछ फैमिलीज में सब लोग साथ में ही खाना खाते हैं और कुछ फैमिलीज में सब लोग अलग अलग खाना खाते हैं. नाउ किड्स, हाउ कैन यू हेल्प इन कुकिंग? क्या आप कुकिंग में हेल्प करते हो? तो किस तरह से आप हेल्प करते हो? यस, यू कैन नॉट हेल्प डायरेक्टली इन एनी वे इन कुकिंग. आप डायरेक्टली तो कुकिंग में हेल्प नहीं करते होंगे, राइट? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कुक. तो आपको ये तो नहीं पता है कि किस तरह से कुकिंग करनी है. बट यू कैन हेल्प योर मदर इन कटिंग वेजिटेबल्स, वॉशिंग पल्सिस एंड वेजिटेबल्स एंड इन सर्विंग फूड एट्सेट्रा. तो आप अपनी मम्मी को किस तरह से हेल्प कर सकते हो कि आप उनको वेजिटेबल वॉश करके दो, पल्सिस वॉश करके दो, फिर वेजिटेबल्स कट करके दे सकते हो, या तो आप फूड सर्व करने में हेल्प कर सकते हो. तो इस तरह से आप कुकिंग में हेल्प कर सकते हो. नाउ किड्स, द थर्ड क्वेश्चन इज, हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग इन द फैमिली? व्हाई? आपकी फैमिली में कौन कुकिंग में हेल्प नहीं करता है और क्यों नहीं करता है? यस, आपका आंसर क्या होगा? योर फादर एंड यू डू नॉट हेल्प इन कुकिंग. के आप और आपके फादर जो है वो कुकिंग में हेल्प नहीं करते होंगे, राइट? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कुक. आपको तो पता ही नहीं है कि किस तरह से कुकिंग करनी है. व्हाइल योर फादर गोज टू ऑफिस एंड डज अदर जॉब्स ऑफ द हाउस. तो आपके पापा तो ऑफिस जाते हैं, तो इस तरह से वो भी कुकिंग में हेल्प नहीं करते होंगे. और बाकी जो घर के छोटे बड़े काम होते हैं तो उसमें आपके पापा हेल्प करते हैं, राइट?
Now kids, in the table, some of the work done in the house has been mentioned. Find out who does them in your house and who does them in your friend's house. You can add some other work also to the list. जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर एक टेबल दिया है जिसमें कुछ वर्क के नेम्स मेंशन किए हैं, जैसे कि कुकिंग, बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, स्वीपिंग, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, फिलिंग वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये सारे वर्क आपके घर में कौन करते हैं और आपके फ्रेंड्स के घर पर कौन करता है ये सारे काम, तो बस आपको वो लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि कुकिंग, तो मेरे घर में मेरी मम्मी ही कुकिंग करती है। एंड इन योर फ्रेंड्स हाउस, आपके फ्रेंड के घर पर कुकिंग कौन करता है? तो मेरे फ्रेंड के घर पे तो उसकी मम्मी और उसकी जो चाची है वो दोनों ही मिलके कुकिंग करते हैं। नाउ सेकेंड इज बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। बाजार से अगर कुछ लाना है तो वो कौन करता है आपके घर पर? जैसे मेरे घर पे मेरे दादाजी कुछ भी घर का सामान लाना होता है तो वो लाते हैं, और मेरे फ्रेंड के घर पर उसके पापा ही बाजार से सामान लेकर आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्वीपिंग। तो स्वीपिंग का काम कौन करता है, झाड़ू पोछा कौन करता है? तो मेरे घर पे सिस्टर करती है और मेरे फ्रेंड के घर पर उसकी आंटी काम करती है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। बर्तन कौन धोता है आपके घर पर? मेरे घर पे मेरी मदर और सिस्टर धोते हैं, मेरे फ्रेंड के घर पर उसकी मम्मी जो है वो बर्तन धोती है। नेक्स्ट इज फिलिंग वाटर। पानी भरने का काम कौन करता है? तो मेरे घर पे मेरे पापा करते हैं और मेरे फ्रेंड के घर पे उसकी आंटी और मदर करते हैं। उसके बाद है वॉशिंग क्लोथ्स। कपड़े धोने का काम कौन करता है? तो मेरे घर पे मेरी मम्मी करते हैं और मेरे फ्रेंड के घर पर उसकी सिस्टर ये काम करती है। तो किड्स, इस तरह से आप 2-3 काम और भी ये टेबल में ऐड कर सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हो कि आपके घर पर वो काम कौन करता है और आपके फ्रेंड के घर पर वो काम कौन करता है। Now let's see the next topic. The names of some food items are given below. Add some more names to the list. Color with green around those items that we get from plants and color with red around those items that we get from animals. यहाँ पर हमें कुछ items के names दिए गए हैं और आपको कुछ और names लिखने हैं। और जो items हमें animals में से मिलती हो उस पर red color करना है, और जो आइटम्स हमें प्लांट्स में से मिलती हो तो वहाँ आपको सर्कल में ग्रीन कलर फिल करना है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आइटम्स हमें एनिमल्स में से मिलती हो वहाँ पर आपको 2 नंबर लिखना है, और जो आइटम्स आपको प्लांट्स में से मिलती हो वहाँ पर आपको 1 नंबर लिखना है। सो लेट्स सी, हनी। तो हनी आपको कहाँ से मिलता है? यस, इंसेक्ट्स में से मिलता है ना, तो यहाँ पर आपको रेड कलर फिल करना है। या तो आप वहाँ पर 2 नंबर भी लिख सकते हो। उसके बाद है कॉर्न। तो कॉर्न आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में से मिलता है, तो वहाँ पर आपको ग्रीन कलर फिल करना है। या तो आप वहाँ पर 1 नंबर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज स्पिनच। तो स्पिनच भी हमें प्लांट्स में से ही मिलता है, तो वहाँ पर भी ग्रीन कलर फिल करना है। उसके बाद है एग। तो एग कहाँ से मिलता है? एनिमल्स में से मिलता है, तो वहाँ पर भी आपको रेड कलर फिल करना है। उसके बाद है टोमेटो। तो टोमेटो हमें प्लांट्स में से मिलता है, तो वहाँ पर ग्रीन कलर करना है। उसके बाद है टर्मरिक। तो टर्मरिक भी हमें प्लांट्स में से ही मिलता है, तो वहाँ पर भी ग्रीन कलर फिल करेंगे। उसके बाद है मिल्क। तो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स में से मिलता है, तो वहाँ पर रेड कलर करना है। उसके बाद पोटैटो। तो वो हमें प्लांट्स में से मिलता है, तो वहाँ पर ग्रीन कलर फिल करेंगे। उसके बाद है मीट। तो वो हमें एनिमल्स में से मिलता है ना, तो वहाँ पर रेड कलर करना है। उसके बाद है ऑनियन। तो ऑनियन भी क्या है? प्लांट में से ही मिलता है, तो वहाँ पर ग्रीन कलर करना है। नेक्स्ट इज फिश। तो फिश भी एक एनिमल ही है, तो वहाँ पर हमें रेड कलर करना है। उसके बाद है लेमन। तो लेमन हमें प्लांट में से मिलता है, तो वहाँ पर ग्रीन कलर करेंगे। उसके बाद है अजवाइन। तो अजवाइन भी हमें प्लांट्स में से ही मिलता है, तो वहाँ पर ग्रीन कलर करना है। उसके बाद है बनाना। तो बनाना हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में से, तो वहाँ पर भी ग्रीन कलर ही फिल करना है। फिर उसके बाद है मस्टर्ड। तो मस्टर्ड भी हमें प्लांट में से मिलता है, तो ग्रीन कलर फिल करना है। नेक्स्ट इज राइस। तो राइस भी हमें प्लांट्स में से मिलता है, तो ग्रीन कलर। उसके बाद है कैबेज। तो यस, कैबेज भी प्लांट में से ही मिलता है, तो ग्रीन कलर ही फिल करेंगे। नेक्स्ट इज घी। तो घी जो है वो मिल्क में से ही बनता है, तो मिल्क जो है वो हमें एनिमल्स में से ही मिलता है, तो यहाँ पर हम रेड कलर करेंगे। उसके बाद है कर्ड। तो कर्ड भी मिल्क में से ही बनता है, और मिल्क जो है वो एनिमल में से ही मिलता है,
तो इसीलिए हम रेड कलर ही फील करेंगे। उसके बाद है चिलीज, तो चिलीज भी हमें प्लांट में से मिलती है, तो इसीलिए हम वहाँ पर ग्रीन कलर फील करेंगे। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन यू आर सिक यू डू टेक एनी मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स। क्या आप बीमार होते हो तो आप कोई भी मेडिसिन प्लांट्स में से लेते हो? सो किड्स, व्हेन यू गेट हर्ट विच मेडिसिन विल यू टेक फ्रॉम द प्लांट्स। आपको अगर चोट लगती है तो आप प्लांट्स में से कौन सी मेडिसिन लोगे? यस, आपका आंसर क्या होगा? आई ड्रिंक टर्मरिक मिल्क एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ टर्मरिक ऑन द वुंड। जब भी आपको चोट लगती है तो आप हल्दी वाला दूध पीते हो ना, और जो चोट है उस पे भी आप हल्दी थोड़ी सी लगा देते हो, राइट? तो हमें टर्मरिक जो है वो प्लांट में से ही मिलती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू हैव अ स्टमक एक, जब भी आपको पेट में दर्द होता है तो आप क्या करते हो? यस, यू विल टेक सम अजवाइन विद हॉट वाटर। आप क्या करोगे कि आपको अजवाइन लेनी है और गर्म पानी के साथ उसको मिक्स करके पी लेना है। नेक्स्ट इज व्हेन यू हैव कफ एंड कोल्ड, जब भी आपको सर्दी खांसी होती है तब आप क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट ऑफ बेजिल एंड जिंजर विद हनी। आपको क्या करना है कि बेजिल और जिंजर की पेस्ट बना लेनी है और उसको हनी के साथ लेना है, तो आपका जो कफ एंड कोल्ड है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज हैव अ टूथ एक, जब भी आपको दांतों में दर्द हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? यूज अ रोस्टेड क्लोव और क्लोव ऑयल। या तो आप रोस्टेड क्लोव, जिसे हम लवंग कहते हैं, वो आपको लेना है और उसको अपने दांतों के बीच में रख देना है, जिससे कि आपका दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। या तो फिर आपको क्लोव ऑयल, लवंग का जो तेल आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो किड्स, इस तरह से बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो हमें प्लांट्स में से ही मिलते हैं। किड्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, ड्रॉ अ लाइन टू मैच। यहाँ पर 4 बास्केट्स दिए गए हैं और उसमें लिखा है फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, और बीच में बहुत सारे नेम्स लिखे हुए हैं, तो आपको करेक्ट बास्केट के साथ वो नेम्स को मैच करना है। लेट्स सी, फर्स्ट इज जिंजर। तो जिंजर क्या है? एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, वो प्लांट का ही एक पार्ट होता है, तो आपको वो बास्केट के साथ मैच करना है। उसके बाद है फ्लावर्स ऑफ कचनार ऑर्किड, जो कचनार के फ्लावर्स होते हैं, तो वो क्या है? फ्लावर ही है, तो आपको फ्लावर के बास्केट के साथ उसको मैच करना है। नेक्स्ट इज कैरेट, तो कैरेट क्या है? वो भी प्लांट का ही एक पार्ट होता है, तो आपको एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट वाले बास्केट के साथ मैच करना है। उसके बाद है मैंगो, तो मैंगो क्या है? फ्रूट है, तो आपको फ्रूट वाले बास्केट के साथ उसको मैच करना है। उसके बाद है जैकफ्रूट, तो जैकफ्रूट भी एक फ्रूट ही होता है, तो आपको फ्रूट वाले बास्केट के साथ मैच करना है। फिर आमला, तो आमला भी एक फ्रूट ही होता है, तो आपको फ्रूट वाले बास्केट के साथ मैच करना है। उसके बाद है ग्राम, तो ग्राम क्या है? प्लांट का एक पार्ट होता है, तो आपको एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट वाले बास्केट के साथ मैच करना है। नेक्स्ट इज फ्रेंच बीन्स, तो बीन्स जो है वो प्लांट के ही पार्ट होते हैं, तो आपको एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट वाले बास्केट के साथ मैच करना है। उसके बाद है लोटस स्टेम, तो वो भी प्लांट का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट इज स्पिनच, तो स्पिनच क्या होती है? लीव्स होते हैं, तो आपको लीव्स वाले बास्केट के साथ मैच करना है। उसके बाद है कॉलीफ्लावर, तो वो क्या है? फ्लावर है, तो आपको फ्लावर वाले बास्केट के साथ मैच करना है। उसके बाद है मस्टर्ड, तो मस्टर्ड भी प्लांट का ही हिस्सा होता है, तो आपको वो बास्केट के साथ मैच करना है। उसके बाद करी लीव्स, तो करी लीव्स क्या होते हैं? लीव्स ही होते हैं, तो आपको लीव्स वाले बास्केट के साथ मैच करना है। फिर बनाना फ्रूट होता है, तो आपको फ्रूट वाले बास्केट के साथ मैच करना है। उसके बाद रेडिश एंड पोटैटो, तो वो प्लांट का ही एक हिस्सा है, तो आपको एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट वाले बास्केट के साथ उसको मैच करना है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इंटू मेडिसिनल एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। यहाँ पर आपको सारे मिक्स नेम्स दिए गए हैं, तो आपको मेडिसिनल प्लांट्स को और डेकोरेटिव प्लांट्स को क्लासीफाई करना है। लेट्स सी, फर्स्ट इज मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड की गार्लैंड बनाते हैं, तो इसीलिए मैरीगोल्ड को हम डेकोरेटिव प्लांट में लिखेंगे। उसके बाद है बेजिल, तो बेजिल जो है वो मेडिसिनल प्लांट है, जिसको हम कफ और कोल्ड में यूज करते हैं, तो इसीलिए वो नेम हम मेडिसिनल प्लांट में लिखेंगे। उसके बाद है रोज, तो रोज को भी हम डेकोरेशन में यूज करते हैं, तो इसीलिए वो एक डेकोरेटिव प्लांट है। नेक्स्ट इज मनी प्लांट,
तो मनी प्लांट को भी हम डेकोरेशन में यूज करते हैं, तो वो भी एक डेकोरेटिव प्लांट है। उसके बाद है डमरो, तो डमरो भी एक मेडिसिनल प्लांट है जो बेजिल की तरह ही होता है। नेक्स्ट इज पेरीविंकल, तो पेरीविंकल को भी हम डेकोरेशन में ही यूज करते हैं, तो वो भी एक डेकोरेटिव प्लांट है। नेक्स्ट इज पपाया, तो पपाया भी एक मेडिसिनल प्लांट है। नेक्स्ट इज नाइट क्वीन, तो नाइट क्वीन मतलब रात रानी जो होता है वो भी एक डेकोरेटिव प्लांट है। नेक्स्ट इज मोगरा, तो मोगरा भी एक डेकोरेटिव प्लांट है। उसके बाद है अर्डूसा, जिसको हम अर्डूसी भी कहते हैं, तो वो भी एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है अजवाइन, तो अजवाइन का यूज़ भी मेडिसिनल प्लांट के तौर पर ही होता है। उसके बाद है गालो, जिसको हिंदी में गिलोय भी कहा जाता है, जिसका यूज़ मेडिसिन के तौर पर किया जाता है, तो वो भी एक मेडिसिनल प्लांट है। सो किड्स, हियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे